ना देखें इनके आदमी जो इनकी पार्टी से कैंडिडेट हो उसमें सब एकजुट होकर उसके खिलाफ मतदान करो, जब ही इनका राह बैठेगा। और रही बात, अभी बात हो रही थी बोरड़ की, बोरड़ जिलाध्यक्ष जी और समाज पदाधिकारी और समाज क्षेत्र से बुजुर्ग किसानों और प्यारे भाइयों, अभी बात चल रही थी बुलडोजर की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हूँ, अधिकतर वे लोग होंगे जिन्होंने आपको वोट दिया होगा। अगर आप इनका उत्पीड़न करोगे तो हम बिल्कुल ये संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। आपने एक सिस्टम बना लिया कि गाजीपुर बॉर्डर पे है भाई टिकेट साहब, तो आने के नहीं, आप करते रहो मनमानी। और कुछ आपस में भी भाई, आप एक दूसरे की खींचतान से दूर रहो। पद माने नहीं रखता, कर्म माने रखता है। पदों के लिए लाइन न लगाओ। पद ले जाओ, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं उनका क्या समाधान करोगे? जब तक आके ये नहीं बताओगे, जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक मुद्दे तय नहीं होंगे, ये धरना यहां से जाने उठने वाला नहीं है। रोज रोज के मसले, रोज रोज की बात। और जितनी बात अधिकारियों के लिए आपके लिए भी है, बहुत सारी नई भर्ती है। बिल्कुल खुले मंच से संगठन का जो अपना चेहरा है वो इस बात का है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग गलत काम और झूठ नहीं बोलते। आप उस चेहरे को बनाए रखें। संगठन में भी अगर कोई दाएं बाएं चला गया तो बर्दाश्त। अधिक लोगों को बोलने का समय मिले, सब अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी स्थायी समस्या है वो स्थानीय समस्या है, उस पर आप फोकस करें। और हमारा पुनर्निवेदन है कि जो भी अधिकारी हमारा ज्ञापन लेना चाहता हो वो अपना ज्ञापन लेके यहाँ से ज्ञापन लेके चला जाए, और फिर विचार करके हमें बताए कि आप क्या समाधान करना चाहते हैं। धन्यवाद। मेन मुद्दा तो जो लखीमपुर खीरी की घटना है उनके ऊपर है, जो अजय टैनी है वो उसकी बर्खास्तगी और उसकी गिरफ्तारी। उसका बेटा वजह डेंगू का बहाना लेके मतलब मेडिकल में भर्ती होगा, जेल में से निकलने की अभी इनकी एक प्लान है, तो इनकी बर्खास्तगी और इनका इस्तीफा जो मंत्री है, गृह मंत्री मुकदमा दर्ज है, उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई है, और उसमें राकेश जी वहाँ गए थे, आश्वासन दिया गया था, उसके बाद वहाँ पे सत्ता में है, सत्ता का नशा है उनमें, सत्ता का अहंकार है। गृह मंत्री है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है, वहाँ के स्थानीय लोग उसके साथ हैं आसपास के, तो दबंग है। किसान यूनियन की यही मांग है कि अपना बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हो, और अपना मंत्री पद से इस्तीफा देके जेल में जाए। दबंग के लिए तो योगी जी का कहना है कि हमारा बुलडोजर है, क्या वो टैनी के घर की तरफ नहीं? वो आम आदमियों के लिए है, वो उनके खुद के आदमियों के लिए नहीं है। वे जेसीबी भी आम आदमी के लिए है, जिला पंचायत सदस्य जो थे उनके लिए जेसीबी है, ये मंत्री है उनके लिए नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं होती आगे की क्या, आगे का जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान रहेगा उस पर आगे काम करा जाएगा। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन है? ये देखो जी, मुद्दे तो किसान से जुड़े हुए सभी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है लखीमपुर खीरी में जो इन्होंने नरसंहार करा, भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय उर्फ प्रेणी और उसके लड़के ने जो नरसंहार करा, वहाँ किसानों की हत्या की और पत्रकार बंधु की, उसके विषय में ये पूरे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है। और जो किसानों की समस्या है, जैसे धान की खरीद नहीं हो रही, ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हो गया बहुत, उन्हें उचित मुआवजा दिया जा, शुगर मिले सही समय से चलाई जा, और भी बहुत सी समस्या है, उन्हें लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आप पुलिस का भी बहुत बिफर रहते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, क्या मामला पुलिस से, क्या शिकायत? शिकायत दिया है जी, आप पता कर लो किसी से भी, कोई भी आदमी अगर थाने में या कहीं जा रहा तो उसका बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा, कह रहे कि कानून व्यवस्था नंबर वन पर है, रोजाना अपहरण, हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती। अभी हमारे पास में एक हफ्ता पहले गांव है दुधैड़ी, वहाँ डकैती पड़ी, पहले अंग्रेजी टाइम पर डकैती पड़ी थी, अब इस सरकार में भी डकैती पड़ रही, तो कहाँ है
और कानून को लेकर तो काफी दावे हो रहे हैं सरकार की तरफ से अच्छे कानून। अब दावे तो धरातल पर देख लो ना, आप कहाँ हैं दावे? जब ये खुद जो गृह मंत्रालय का क्या काम है कि पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी उसकी होती है, और उस पर इन्होंने जो माफिया है जिन पर NSA तक की कार्रवाई और जो खाद की कालाबाजारी और शराब की तस्करी करते हैं, जिनकी हिस्ट्री सीट खुली हुई है, उन्हें यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना रहे? अगर चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी सौंप दी जाएगी तो क्या होगा देश का? बिल्कुल, आप काफी लंबे समय से आंदोलन किए हुए हैं जी, और जो लखीमपुर की घटना है उससे भी काफी धरने प्रदर्शन है, लेकिन टिकैत साहब ने कहा था कि जल्दी बड़ा आंदोलन होगा लखीमपुर की घटना को लेकर, दोबारा से इस तरह के बयान नहीं आए कि घटना उसको लेकर बड़ा आंदोलन होगा, इंसाफ की कहीं ना कहीं उड़ चली जाएगी। देखो वहाँ पे जो समझौता हुआ था उसके अनुसार कुछ मांगे इन्होंने तुरंत मान ली थी, उसके बाद आज का प्रदर्शन है। आज अगर कार्रवाई होती है तो ठीक, वरना संयुक्त मोर्चा जो आदेश करेगा, जो टिकैत साहब का आदेश होगा, अगर वे कहेंगे इस जिले की रोड जाम करनी और रेलवे जाम करना, या ये जितने भी यहाँ अधिकारी बैठे DM और SSP इनके तालाबंदी करनी दफ्तरों पर, तो तालाबंदी कर दी जाएगी, इनके दफ्तरों में पशु बांधने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन। तो आज इस प्रदर्शन के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल लिया जाएगा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो जो टिकैत साहब का संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा उस पर पूरा अमल किया जाएगा। लखीमपुर मामले में कार्रवाई ये चाहते हैं, जो अजय मिश्रा टेणी है उसके खिलाफ सबूत भी हैं और FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे जब हाईकोर्ट ने भी ना फटकार लगा दी कि आप बचा रहे हैं, उसे सस्पेंड किया जाए तुरंत और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। देखो हम आंदोलनकारी हैं, थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है, और अगर ये नहीं करते तो फिर अगर टिकैत साहब ने नारा दिया भोरड़ मारा जाएगा बस।